एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेनिंग मेटर भोजपुरी पे, और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं विजेंद्र भैया। और अगर विजेंद्र भैया का पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ कि विजेंद्र भैया के, थोड़ा कैमरा मैन से बोलूँगा पीछे जो फोटो टंगा हुआ है वो दिखाएँ। देखिए, भोजपुरी का शायद ऐसा कोई भी कलाकार नहीं होगा जो भैया के साथ में फ़ोटो नहीं खिंचाया होगा। आइए जानते हैं ऐसा ही कुछ फ़ोटो और वीडियो का राज कि विजेंद्र भैया का कैसा और क्या रहा है भोजपुरी कलाकारों के साथ, इतना क्या गहरा रिश्ता है। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, प्रणाम। भोजपुरी ट्रेंडिंग, भोजपुरी देखे वाला के सब लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। अच्छा रघुआ सा, पहलका ही हमारे सवाल रही कि बहुत कमे लोग जाना तरुआ के, मतलब वो भी सब नहीं कहत जैसे स्टार लोग के व्यू से, जे मतलब रेगुलर फिल्म जैसे कल्लू पवन खेसारी ये लोग, वो व्यू से लोग रोग कम जानता है। लेकिन फिर भी रोग के जे कॉमेडी देखेला चाहे जे रोग के नज़दीक से जाना था वो समझ जाता कि रोग के पावर कम है। लेकिन वो नया लोग के क्या कहे के चाहते नहीं कि मतलब है जब फोटो देख लस वीडियो देख लस कि विजेंद्र जी यानी रघु जी के साथ में कल्लू जी के साथ में फोटो खींचे बने, एक बारे में वो क्या कहे के चाहते हैं रोग। ये सारा लोग हमारा संग काम कैले बा, सारा लोग के शुरुआती दौर में ये लोग के वीडियो डायरेक्टर हम रानी कौन सिंह का, तो शुरुआती वाला फोटो सिंह के कब का है वो फोटो बताइए। बहुत पहले का 2008 के है। पवन सिंह के पहला एल्बम चोली 420, सिंगार मैया रानी के, लजदा दैया चैत के, ये सब हमारे डायरेक्शन में कहवे। अच्छा ये बताइए, जब आप बता रहे हैं कि डायरेक्शन में क्या है तो आप अभी क्या नहीं डायरेक्ट करते, आप छोड़ दिए आए थे इस्तीफा ले लें या फिर ना ना ये का हो चेनू कि आदमी के आगे बढ़े के चाहिए पीछे ना बढ़े के चाहिए। तो डायरेक्शन आदमी कैलक 2008 में हम फिल्म के डायरेक्टर डायरेक्शन कैनी बियाह फिल्म, ओमे परवेश लाल जी तेरा विजय लाल यादव के पहला बार हीरो बनैनी, ओमे बहुत ही अच्छा फिल्म करे ते सारा लोग के लेके 2008 में समझिए हम फिल्म के डायरेक्टर कैनी 2008 में समझिए फिल्म के डायरेक्शन क के फिर एल्बम के डायरेक्टर कह रही तो अच्छा लगी ना ना वो तो कहाँ तक ले मतलब टीआरपी घटी तो आदमी के आगे बढ़े के चाहिए पीछे ना मुड़े के चाहिए। तो ऐसे आदमी हम चाहे नहीं कि हाँ हम करें तभी शॉर्ट फिल्म बनावनी। अच्छा रुआ कहला का मतलब हमारा ये लगता है कि रुआ छोटा चाहे हमारा किंग बने के चाहते नहीं नौकर ना किंग ना हम क्रिएटर बने के चाहते नहीं मतलब किंग तो किंग में अहंकार आ जाए किंग में बहुत चीज़ आ जाला जो ना हो के चाहिए। हम क्रिएटर बने के चाहते नहीं, हम चाहते नहीं कि हम ज़्यादा ज़्यादा काम करी हम हमरा पता ना आप जो हम सोचे नहीं वही पर हम ज़्यादा काम करके चाहे नहीं। और ये पर अच्छा ये बताइए अभी मतलब बहुत ही अच्छा आपका मैं बोलना चाहूँगा कि आप एक एक वर्ड को क्लियर कर दे रहे हैं कि मैं किंग नहीं बनना चाहता। तो मैं जैसे भोजपुरी के ज़्यादा नहीं पूछूंगा, दो तीन स्टार जो हैं हमारे पहले बताइए शॉर्ट में बताइएगा एकदम। नीरव जी से आपका सबसे पहले मुलाकात कहाँ? नीरहू का पहल का एलम नीरहुआ शटर है के डायरेक्टर हमारे। और कल्लू जी का? कल्लू तो बहुत लड़का रहे तब से हमारा संग काम करता वो तो ये देख कल्लू बहुत लड़का रहे। अच्छा कल्लू जी उस टाइम जब आते थे तो आपको मतलब क्या बोलते थे? भैया बोलते रहे, छोटा बच्चा रहे। और अभी फोन आता है अभी भैया बोले अभी? अच्छा जब बोले मालिक। अच्छा जब आप डायरेक्ट कर रहे थे उस टाइम तो आपकी एज कितना होगा? हम मैट्रिक पास करके ओकरा बाद 21 साल के उम्र से हम डायरेक्शन करते हैं। तो उस टाइम कॉलू का एज कितना होगा? वो तो बच्चा था उस समय, कितना हुई ओकर 10-11 साल हुई 12 साल उसी टाइम में गाना उनका चला था। हाँ उससे भी पहले, उससे भी पहले यानी जींस फार दे बल मार के बल बलेड जींस फार दे ऐसे करके गाना, यानी कि भैया कल्लू जी को उस टाइम से जाते हैं जब वो हाफ पैंट पहनते थे। हाँ हाफ पैंट पहनते रहे। अच्छा ठीक है, एक और फोटो लगा हमारे सामने हाफ पैंट पहने वाला में कल्लू बड़े है, हमारे सामने हाफ पैंट पहने वाला में खेसारी बड़े है, तारा दिनेश लाल जी नहीं तो हमारा से बड़ हुए पवन सिंह हमारे साथी हुए हमारा संग है ये सब तो लड़का हुए सन बहुत बाद के बात हो गए। दीपक दिलदार राकेश मिश्रा बड़े, राकेश मिश्रा के पहलका एल्बम हम ही कैले रहनी नीलकमल बा नीलकमल सिंह को भी आप बचपन नीलकमल के पहलका एल्बम टी सीरीज में जोन लड़का आवे ओकर पहलका एल्बम हम ही करी वीडियो तो नीलकमल के पहलका मौसी के चुमा लेला हो पापा आवे द कहे मम्मी से ये कैले रहनी अब रहू चाचा चाचा कहे अभी आई रहे 6 महीना पहले नीलकमल आई रहा अब तो सुपर स्टार हो गया है हमारा घरे अल यहाँ तो
हम कौन है? अब चाचा मत कहो भैया बोल बड़ा हो गया बड़ा हो गए चाचा बोलबे तो हम बूढ़े लगे बहुत ही अच्छा कॉमेडी। अच्छा एक और फोटो लगा हुआ है मनोज तिवारी जी के साथ। मनोज तिवारी भैया आपसे सीनियर है क्या? हमारे सीनियर बहुत हैं, बहुत सीनियर हैं मनोज भैया, लेकिन मनोज तिवारी भैया हमको छोट भाई से भी ज़्यादा माने ले और बहुत दुलार प्यार देवे ले। कबो हमारा कोनो ऐसा जरूरत पड़ल आधा रात के भी तो मनोज तिवारी भैया खड़ा रहे ले, हर समय खड़ा रहे ले। बहुत ही अच्छा बात। अच्छा ये बताइए पवन सिंह जी से आपका पहला मुलाकात? हम पवन सिंह टी सीरीज में बहुत पहले पवन के एल्बम जब होत रहे बैठ गाना गावस तो फिर हम टी सीरीज में रहनी जब तो हमने के साथे बैठी सन साथे रही सन तो हमने के टी सीरीज से ही मुलाकात हो। बहुत अच्छा वो बेरा भी रहें, बहुत अच्छा गायक वो बेरा रहें, बहुत अच्छा गाना गावत रहें। अच्छा पवन सिंह का जिक्र होता है मैं एक और बात पूछना चाहता आपसे, पवन सिंह का फर्स्ट एल्बम शायद से कांच कसैली आया था? कांच कसैली तो 2005 में आई रहे उनका फर्स्ट एल्बम। फर्स्ट एल्बम ओकर उड़हनिया वाली आई रहे जोन 97 माने कि 99 माने ओकरा से 5-6 साल पहले आई रहे लैका में, बहुत लैका रहे वगैरह वो तो उड़हनिया वाली एगो आई रहे आरा के ही एगो आदमी रिकॉर्ड कैले रहे प्रोग्राम में। कांच कसैली बहुत बाद के एल्बम हो। हाँ कांच कसैली तो हिट भइल। पवन सिंह लोग नाम जान पवन सिंह हाँ कांच कसैली से ही पवन सिंह के लोग जान हिट भरे बहे पुरवैया हो। और उधर फोटो लगा हुआ है राकेश मिश्रा जी का, उनसे तो बता ही दिए। और दीपक दिलदार, दीपक दिलदार बहुत अच्छा गायक है। मुझे कब आपको पहला मुलाकात? दीपक के बेदर्दी जी लेके आई रहा हमारा लगे तो बहुत तेने के बात है। कृष्णा बेदर्दी तेरे के बात है शायद तेरे हमारा कम 14 में कंपनी खोलनी ओकरा एक साल पहले के बात है। अच्छा जब आप कंपनी नहीं खोले तो टी सीरीज में काम करते थे, तो टी सीरीज में आप डायरेक्टर थे तो वहाँ पर सभी लोग आते जाते थे आपसे भेंट मुलाकात हुए? अच्छा ठीक है, ठीक बात है। और मैं थोड़ा सा हटके सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपके घर वाले देखें कि पहले आप लोग वीडियो में बता चुके हैं कि हमारा मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ चलता रहा थिएटर, तो आपके इस बीच में शादी उदी करने का मतलब प्रस्ताव कब आया? हमारी शादी 2005 में हो गई। अच्छा कोई जोर जबरदस्ती से कराया ना? हमने के कहा बनू कि हमने के परिवार में एगो हमने यो रही बाढ़ रहा हूँ रीति रिवाज बा। हाँ मैट्रिक लड़का पास करी इंटर में तो अगुआ दौड़े लगे अगुआ बिहार में दौड़े लगे अगुआ इतना दौड़ लगे बिया हो गए कुछ तो अगुआ लगे ज़्यादा दौड़ लगे। हाँ जे ये अगुआ का हो गया ना टी सीरीज ले पहुँच जास। जब टी सीरीज अगुआ जास तो हमारा याद है एगो अगुआ आइल तो हम टी सीरीज में अंदर एडिटिंग करावत रही लक्ष्मी स्टूडियो है एगो टी सीरीज तो गेट पर पूछले भाई कि विजेंद्र सिंह से मिले के बाद राधे से हम रसिया गेटवा तो रहले तो कहले अरे विजेंद्र भाई से मिले के बाद चलो मिलाओ तेरे तो बेरा के बहुत बड़ा स्टार रहे राधे से हम रसिया तो लोग के वो अगुआ के यहीं हालत ख़राब हो गई कि वो तो टी सीरीज कंपनी हमें इतना बड़ा स्टार कहते कि चलो हम मिलाओ तेरे और लेके अले वहाँ जब सब कंपनी वम्पनी बाद में कोनो कारणवश हूँ हमने शादी ना बोलें उजागरा कर दिले ब्याह करे खाते तो मतलब का ऐसा मत कीजिए पता ना हम नहीं जानत पारिवारिक बात हुई क्या। हाँ घर के क्या बजे शादी हुए बल्कि कोई दोस्त जी ना भाई। हाँ चलिए ठीक बात है। अच्छा ये बताइए जब आप शादी करने के माहौल में थे तो आपका काम डिस्टर्ब रहा या फिर चलता रहा? ना ना काम तो चलत रहे। शादी भैल 4-5 महीना बाद वाइफ आ गई वहीं हम नोएडा में रहत रही। अच्छा बहुत ही मज़ेदार मुझे सवाल याद आया है कि आप टी सीरीज की बात कर रहे हैं और सवाल अगर मैं भूल जाता तो अच्छा नहीं होता। टी सीरीज के आप उस टाइम से जानते हैं लगभग 2000 से? हाँ 2001 से जानते हैं। 2001 में टी सीरीज जब आप लोग रिकॉर्डिंग करते थे सारे कलाकार को उस टाइम कहाँ पे? टी सीरीज वगैरह बहुत बड़ी कंपनी रहे मतलब कहाँ पे था? नोएडा में, नोएडा फिल्म सिटी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और भैया से मैं थोड़ा अभी इंडस्ट्री से हट के थोड़ा पर्सनल लाइफ पे आता हूँ। और आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो पर स्टोरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसका पीछे क्या? देखिए हम जो ना चीज़ में आज ले ध्यान दिले बनी नू हम चाहे नहीं कि उकरा के प्रॉपर ढंग से अच्छा से करियाँ हमें नाम कमाई दाम कमाई पैसा नाम दोनों कमाए के चाहिए कहे तो पैसा से परिवार चलेला। पैसा रही तो तारा के तोहरों लैका तारा के पापा कही दूसरों के लैका पापा कही, पैसा ना रही तो अपने लैकवा पापा ना कही तो पैसा नाम दोनों कमाए के चाहिए और अच्छा से कमाए के चाहिए रिस्पेक्ट से कमाए के चाहिए। अच्छा जब ये स्टोरी में आपके